हेलो मेरे भाई, तो कैसे हो तुम सब बंदे? तो तुम सब बंदे जानते होंगे कि अपने सर्वर के अंदर रिटर्न इंक्यूबेटर आ चुका है। आप दो ना। मैंने खुद ने इंक्यूबेटर नहीं लिया यार, क्योंकि अपने पास डायमंड ही नहीं है ना। सच बताना, तुम्हारे पास भी डायमंड नहीं है ना? लेकिन मेरे भाई टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि ये वाला जो इंक्यूबेटर अपने सर्वर के अंदर आया है, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज मैं तुम्हें अपनी वीडियो में एक ऐसा इंक्यूबेटर बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद तुम भाई सब कुछ भूल जाने वाले हो। ओके। और गाइस, एक गन है जो अपने सर्वर के अंदर बहुत टाइम से नहीं है ये, और ये बात जब भी मैं सुनता हूँ भाई, फ्री फायर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बिल्कुल नहीं पसंद आया आज तू। लेकिन अब उस गन के रिटर्न में आने की चांसेस हो रहे हैं, तो मुझे फ्री फायर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा रिटर्न गन की स्किन के बारे में। और भाई, क्या तुम सब बंदों को पता है कि मेरे एक दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो उसके साथ क्या हुआ था? अरे अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ बेटा, मस्ते नहीं। लेकिन अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी शायद ऐसा हो सकता है, तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे सेट कर दो। ओके। तो सिंपली बंद बढ़ते हैं उन्होंने पहले अपडेट की तरफ बिना किसी देरी के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो गाइस, जैसे कि सिंपली मैंने अभी तुमसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आज की वीडियो में मैं तुम सब बंदों को बताने वाला हूँ अपने रिटर्न इंक्यूबेटर के बारे में। तो अपना रिटर्न इंक्यूबेटर निकल के आ रहा है गोल्डन शेड इंक्यूबेटर, यानी कि भाई ये वाला जो इंक्यूबेटर है इसके बहुत ज्यादा चांसेस निकल के आ रहे थे, लेकिन फिर भी गरीना ने बन को पैंथम बनी पैंथम क्यों दिया रिटर्न में? तो उसका जवाब ये है कि गरीना ने बहुत ज्यादा कर्जा कर लिया है, तो रिटर्न इंक्यूबेटर तो लाएगा सही ना। तो अब जैसे बनी पैंथम आ चुका है, तो भाई बनी पैंथम तो आ चुका है, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा नहीं थे। लेकिन भाई जो अपना गोल्डन शेड इंक्यूबेटर है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, यानी कि जैसा उनका बनी पैंथम चला जाएगा, उसके बाद अपन को अपने सर्वर के अंदर गोल्डन शेड इंक्यूबेटर रिटर्न पैक देखने को मिल सकता है। तुम सब बंदे सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, यानी कि बनी पैंथम आ चुका है तो गोल्डन शेड नहीं आएगा। तो भाई तुम सब भाई ध्यान लगाओ कि अपने सर्वर के अंदर इतनी सारी चीजें रिटर्न में आ चुकी है, तो गोल्डन शेड तो एक छोटी सी बात है, क्योंकि पहले भी रिटर्न में आ चुका है। इसकी वैल्यू अब इतनी ज्यादा है नहीं फ्री फायर के अंदर, इसलिए गरीना जो है इसको वापस से रिटर्न में ला सकता है। तो तुम सब बंदे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें भाई मतलब जो गोल्डन शेड इंक्यूबेटर है ये पसंद है या फिर पसंद नहीं है, कमेंट सेक्शन में जोर से बताना। अगर तुम सब बंदों को गोल्डन शेड इंक्यूबेटर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो को लाइक तुम आजकल नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंजूस हो चुके हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक जोर से कर देना। तो बढ़ते हैं उन्होंने अगले अपडेट की तरफ, क्योंकि अगला जो अपडेट है वो भी एकदम फॉलो अपडेट है, यानी कि अगला अपडेट देखने के बाद ना तुम्हें मजा आने वाला है और तुम भाई तुम्हारा जो दिल है गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं उन्होंने अगले अपडेट की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बताएंगे रिटर्न गन के बारे में ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम सब बंदों को कुछ बंडल बताने वाला हूँ। तो ये बंडल तुम देख पा रहे दोनों भाई बहन के बंडल है, यानी कि भाई मेल फीमेल दोनों के हैं। तो ये जो बंडल है एनिमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा डाल रखा है, उसके साथ साथ भाई बंडल बहुत ज़्यादा अच्छे देखने में, और ये फेड विल के अंदर आए। लेकिन भाई ज्यादा मुझे लगता है कि फेड विल के अंदर अपन को अपने सर्वर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, कोई से वेब इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब तुम्हें वेब इवेंट भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे, तुम्हें दिख रहा होगा एक वेब इवेंट। तो ये वाले वेब इवेंट के अंदर तो भाई तुम्हारा लग अच्छा होगा तो तुम्हें बंडल मिल ही जाएगा, वरना तुम्हें कुछ टोकन मिलेंगे। तो भाई टोकन भाई तुम्हें कलेक्ट करने पड़ेंगे इसके अंदर बहुत सारे, और टोकन जैसे तुम कलेक्ट करोगे बहुत सारे, तो तुम्हें भाई इसके अंदर बंडल एक्सचेंज करने का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, तो तुम बंडल आसानी से एक्सचेंज कर सकते हो। यानी कि इवेंट भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो इवेंट मैंने तुम्हें दिखाया ये अपने सर्वर के अंदर पहले आता था, लेकिन अभी अपने सर्वर के अंदर ये आना बंद हो चुका, लेकिन क्यों हुआ ये मेरे को नहीं पता। तो ये वाला इवेंट आना बंद क्यों हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो इवेंट है ये अपने सर्वर के अंदर आएगा, ये जो मैंने तुम्हें रिवॉर्ड दिखाया ये अपने सर्वर के अंदर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो चांसेस मुझे निकल के आ रहे हैं कि ये वाला जो इवेंट इसके अंदर अपन को देखने को मिल सकते हैं। अगर ये वाला इवेंट के अंदर अपन को देखने को नहीं मिलते बंडल, तो कोई और से इवेंट के अंदर भी आ सकते हैं, या फिर जो मैंने तुम्हें फेड विल दिखाया उसके अंदर दोनों बंडल तो नहीं, लेकिन एक ना एक बंडल तो अपन को देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बंदों को ये वाला बंडल पसंद आएंगे, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया है। अगर तुम सब बंदों को पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि सर का बिल्कुल फ्री है। और तुम्हें ये तो याद ही होगा कि मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तुम सब बंदे सेफ रहो बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, क्योंकि अगला जो अपडेट है वो भी एकदम बड़ी अपडेट है, यानी कि अगला अपडेट देखने बाद तुम्हारे आके फटी फटी रह जाने वाली है। तो बढ़ते हैं हमने अगले अपडेट की तरफ। हमको सिखा रहा है? अरे मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा, मैं तुम्हें बता दिया हूँ कि अब मैं तुम सब को एक बहुत ही अच्छी गंदगी स्किन के बारे में बताने वाला हूँ, जो होने वाली है अपनी ट्रॉपिकल पैरेट। तो भाई ट्रॉपिकल पैरेट के बारे में मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि भाई ट्रॉपिकल पैरेट बाहर के बहुत सारे सर्वर के अंदर आ चुकी है, और भाई अब सबसे ज्यादा चैलेंज निकल के आ रहे हैं ब्राजील सर्वर के, यानी कि ब्राजील सर्वर के अंदर बहुत ही जल्द रेडर्स नाम का एक इवेंट, यानी कि विश वाला इवेंट तुम इसको बोलते हो, तो इस वाले इवेंट के अंदर अपन को ट्रॉपिकल पैरेट देखने को मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि तुम्हें 100% चांसेस मिलता है, यानी कि भाई तुम अगर कोई गन को चूज कर लेते हो तो उसके अंदर तुम्हें
10% चांसेस मिलता है कि अगर तुम स्पिन करोगे तो ये वाली गन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब बात करें ये वाला इवेंट आएगा या फिर ये वाली गन की स्किन कोई और से इवेंट के अंदर आएगी अपने सर्वर के अंदर या फिर नहीं आएगी। तो बात करें ब्राजील सर्वर के, तो ब्राजील सर्वर के अंदर बहुत ही जल्दी यानी कि एक या दो हफ्ते के अंदर अंदर ये वाली गन की स्किन आ जाएगी। अपने सर्वर के अंदर भी ये वाली गन की स्किन के आने के चांसेस तो हो रहे क्योंकि बहुत टाइम से ये वाली गन की स्किन अपने सर्वर के अंदर नहीं आएगी। लेकिन भाई गरीना जो है उसका कुछ भी भरोसा नहीं है, गरीना चाहे तो ला सकता है और गरीना चाहे तो नहीं भी ला सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अपन को अपने सर्वर के अंदर ट्रॉपिकल पिट देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द। अब कौन से इवेंट के अंदर देखने को मिलेगी वो तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन भाई मेरे को जहाँ तक लगता है कि अपन को विश वाले इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बंदों को ट्रॉपिकल पैरेट पसंद आई होगी। अगर तुम सब बंदों को ट्रॉपिकल पैरेट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना, क्योंकि भाई वीडियो को लाइक तुम नहीं कर देना तो भाई दिल से बुरा लगता है, तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना। तो बर्तन हमने अगले अपडेट की तरफ, क्योंकि अगला जो अपडेट है वो देखने के बाद तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाने वाली है। तो बर्तन हमने अगले अपडेट की तरफ। ओ भाई ये क्या है? तो गाइस जैसे कि तुम सब बने जानते होंगे मैं तुम्हें वापस से एक इंक्यूबेटर बताने वाला हूँ। तो भाई तुम सब बने सोच रहे होंगे कि यार मैं इतने सारे इंक्यूबेटर बताऊंगा तो इंक्यूबेटर आएंगे कब? तो भाई तुम सब बने जानते होंगे कि भाई गरीना जो है रिटर्न इंक्यूबेटर तो ला नहीं सकता, बस रिटर्न थोड़े आएंगे भाई, नए इंक्यूबेटर भी तो आएंगे ना। तो नए इंक्यूबेटर निकल के आ रहे हैं अपन के भाई AWM के। तो रेड वाली इनकी स्किन जो है ये अपन को टॉप पे देखने को मिल सकती है, यानी कि टॉप वाली जो इनकी स्किन है वो रेड वाली है, सेकंड पे अपनी ग्रीन वाली। इसके एट्रीब्यूट तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम पोस्ट करके भी देख सकते हो। बात करें एट्रीब्यूट कैसे, तो एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा अच्छे। लास्ट में अपन को देखने को मिलेगी व्हाइट वाली, यानी कि एनिमेशन भाई किसी के अंदर भी कम नहीं है, एनिमेशन सबके अंदर बहुत ही ज़्यादा है, तो तुम्हें वह दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम कोई सी भी स्किन ले सकते हो एनिमेशन के हिसाब से। और थर्ड नंबर पे अपन की भाई ये पर्पल वाली, पर्पल ब्लू जो भी तुम इसको बोलो, तो इसके एट्रीब्यूट कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन ये भी तुम्हें भाई ज़्यादा ब्लू प्रिंट और ज़्यादा एवोल्यूशन स्टोन में नहीं मिलेगी, तुम्हें कम में मिल जाएगी। बात करें गन की स्किन कैसी है, तो भाई अगर तुम्हें एट्रीब्यूट के हिसाब से चाहिए तो फर्स्ट या सेकंड तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर तुम्हें दिखानी है, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को दिखाना है, तुम्हें चिढ़ाना है तुम्हारे दोस्तों को, साफ साफ बात, अगर तुम्हें चिढ़ाना है तुम्हारे दोस्तों को तो तुम भाई कोई सी भी गन की स्किन ले लो, क्योंकि सबके अंदर एनिमेशन एकदम बराबर दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये सारे के सारे गन की स्किन पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पर सेट कर दो। बिल्कुल ही फ्री के काम है, और बाकी मेरे दोस्त के साथ क्या होता हो तो तुम्हें पता ही है, तो सारे काम जोर से कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं तुम सब बंदों से कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय गाइस। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।